कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ अवकाफ की चेयरमैनशिप से मौलाना शफी सादी के इस्तीफे के सबब पीर की सुबह बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर अनवर बाशा का इंतखाब इत्तेफाक राय से अमल में आया। चेयरमैन के ओहदे पर इंतखाब के लिए चूंकि इनकी तरफ से एक ही नामजदगी दाखिल की गई थी, इसलिए वो इत्तेफाक राय से मुंतखब करार दिए गए हैं। इनके इंतखाब का ऐलान मंगल के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया जाएगा। चित्रदुर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले अनवर बाशा वक्फ बोर्ड के लिए मुतवल्ली जमरे से रुकन मुंतखब हुए थे, अब इनको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। चेयरमैन के ओहदे पर मुंतखब होने के बाद रियासती वजीर बराए हाउसिंग अक़लियती बहबूद व अवकाफ ज़मीर अहमद ख़ान, वजीर बराए बल्दियाती इंतज़ामिया व हज व रहीम ख़ान, वजीर आला के सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद, रुकन राज्यसभा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन सैयद नासिर हुसैन और अराकीन असम्बली तनवीर सेठ, एन ए हारिस, रिजवान अरशद, कनीज फातिमा, रुकन कौंसिल अब्दुल जब्बार और दीगर ने नए चेयरमैन को मुबारकबाद पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।